किसान अध्यादेश के विरोध में उत्तर प्रदेश के किसानों ने एक बार फिर से आंदोलन की राह पकड़ ली है। इसी कड़ी में जनपद संभल के किसानों ने भी भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले दिल्ली कूच के लिए सड़कों पर उतर आए। इस बीच पुलिस बल ने किसानों को रोकने का प्रयास किया तो किसानों के हुजूम ने हाईवे पर सड़क जाम कर सरकार के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। राज्यसभा में पास हो चुके किसान अध्यादेश बिल को लेकर केंद्र और राज्य सरकार ने तमाम तरह के दावे किए थे। सरकारों ने किसानों को बहुत समझाने का भी प्रयास किया था कि बिल से उनका कोई नुकसान नहीं होगा बल्कि फायदा ही होगा। हालांकि इस मुद्दे पर सरकार की तमाम कवायदें अब विफल साबित हो चुकी हैं और देश के किसानों ने एक बार फिर से आंदोलन की राह पकड़ ली है। देश के अलग अलग हिस्सों में किसानों के हो रहे प्रदर्शनों के बीच उत्तर प्रदेश के जनपद संभल में भी हजारों किसानों की भीड़ ने दिल्ली कूच कर दिया। योजना है कि दिल्ली में एकजुट होकर देश के किसान अध्यादेश बिल का विरोध करेंगे। हालांकि संभल की बात की जाए तो पुलिस बल ने किसानों को दिल्ली जाने से पहले ही रोक दिया, जिसके कारण नाराज किसानों ने संभल में दिल्ली हाईवे पर चौधरी सराय पुलिस चौकी के पास सड़क जाम कर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया और मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। दरअसल किसान दिल्ली में होने जा रहे दो दिवसीय आंदोलन में शामिल होने जा रहे थे। दो दिवसीय आंदोलन के दौरान दिल्ली में देश भर के किसान एकजुट होंगे और बिल के विरोध में सरकार से अपनी नाराजगी दिखाएंगे। हालांकि दिल्ली कूच करने से पहले ही पुलिस बल ने किसानों को यहां रोक दिया, जिसके कारण किसानों ने हाईवे रोड को जाम कर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। प्रदर्शनकारी किसानों का नेतृत्व कर रहे चौधरी हरपाल सिंह ने बताया कि लॉकडाउन लगाकर सरकार ने राज्यसभा में किसान विरोधी बिल को पास करा लिया। इस बिल के तहत किसानों की जमीन को बड़े बड़े कारपोरेट घराने को देने का सरकार ने फैसला किया है। इसी बिल का विरोध किसान कर रहे हैं। चौधरी हरपाल सिंह ने बताया कि किसान जागरूक हो चुके हैं और इस काले कानून को लागू नहीं होने देंगे। किसान नेता का कहना है कि अगर सरकार कानून लागू करना चाहती है तो हमारा भी कानून उसमें जोड़ दे और MSP गारंटी योजना को लागू करे। अगर बिना इस कानून के अध्यादेश को पारित करेंगे तो देश का पूरा किसान सड़क पर होगा और अब किसान क्रांति होगी। अगर ये कानून लागू करने हैं तो हमारा कानून इसके साथ जोड़ दो कि जो भाव आप तय करते हो MSP, उससे नीचे कोई खरीदता है भारत में, वो गारंटी कानून बने उसके लिए, वो जेल जाए, फिर हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ये बिना कानून पास किया अध्यादेश लागू करने की कोशिश करेंगे, इसको हम नहीं मानेंगे और पूरा हिंदुत्व सड़क पर होगा और देश में क्रांति होगी। किसान नेता ने बताया कि भारत में अब किसानों की नई आजादी की लड़ाई छिड़ चुकी है और यह रुकने वाली नहीं है। अगर कोई तानाशाही सरकार इस तरह का कार्य करती है तो गलत है। इस देश का कोई बादशाह नहीं है और अब यह लोकतांत्रिक देश है और यहाँ सरकार को हम चुनते हैं। चौधरी हरपाल सिंह ने बताया कि एक गरीब इंसान के वोट की कीमत और बड़ी बड़ी कोठी में रहने वाले इंसान के वोट की कीमत एक ही है। मुकेश अंबानी और हमारे वोट की कीमत एक है। देश में 65% आबादी हमारी है और खजाने में भी 65% की भागीदारी है। अगर सरकार इसमें से 2% देगी तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पाई पाई का हिसाब लिया जाएगा और सरकार से हम लड़ेंगे। चौधरी हरपाल सिंह ने बताया कि राष्ट्रीय संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले किसानों की यह लड़ाई सरकार से लड़ी जाएगी। और खजाना अगर हमें सरकार हमें 2% देगी, उन्हें 80% देगी, तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आप सब जागरूक हो गए, किसान बच्चे पढ़े लिखे हो गए हैं, अब एक ही बात का हिसाब लिया जाएगा, पाई पाई का हिसाब लिया जाएगा इनसे, अब और लड़ेंगे और जीतेंगे हम, साफ बात है। जो साहब भारतीय किसान यूनियन में क्या पद है आपका, पूरा नाम क्या है आपका? मेरा नाम है हरपाल सिंह बिलारी, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन असली राजनीति। ये मेरा सहयोगी सर्वेश यादव के साथ राम वृष यादव, जनमत न्यूज संभल। वाले कहाँ चले?